वोटिंग में हो रही धांधली गर्दी, क्या ये सच है कि रातों रात बढ़ रहे आंकड़े? आखिर इलेक्शन कमीशन इतना समय क्यों ले रहा? मतदान का डेटा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। लोकसभा चुनाव के चार चरणों में 543 लोकसभा सीटों में से 379 पर वोटिंग हुई है। जैसे आंध्र प्रदेश में वोटिंग की रात को आंकड़ा रहता है 76.5%, मगर जब चुनाव आयोग डेटा अपलोड करता है तो ये आंकड़ा हो जाता है 80.7%, यानी कि यहाँ पर 4.2% की बढ़त देखी जा रही है। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 60.5% रहता है और बाद में ये आंकड़ा हो जाता है 62.9%, यानी कि 2.4% की बढ़त देखी जा रही है। वहीं मणिपुर में भी प्रतिशत का आंकड़ा 72.5% रहता है, लेकिन जब ये अपडेट होता है तो 5.7% की बढ़त देखी जाती है, यानी कि 78.2% की बढ़त देखी गई। वहीं अगर हम सभी राज्यों की बात करें तो वोटिंग की रात आंकड़ा था 65.4%, जब ये आंकड़े अपडेट हुए तो जादू हो गया और आंकड़ा 66.9% हो गया। अगर वोटों के हिसाब से देखें तो संख्या 1.07% करोड़ वोटों तक पहुंच जाती है, यानी प्रत्येक लोकसभा सीटों पर 28,000 वोटों की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े लोगों के मन में शक पैदा करते हैं, साथ ही निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल पैदा करते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 24 मई को जवाब भी मांगा था, जहां सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को 24 मई से बड़ी राहत भी मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर मतदान का डेटा देने को लेकर इनकार किया है। कहा है कि देश में चुनाव चल रहा है, हम कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। आपको बता दें, हम हर बार कह रहे हैं कि ये चुनाव देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है और हम इससे बचने के लिए लड़ते रहेंगे।